वो 1 साल की बेटी थी। उसके अंकल उसके आंटी ने सोचा कि इसको HIV है, हमारे बच्चों को भी हो जाएगा। उसको टॉयलेट में, गांव का टॉयलेट क्या होता है, नीचे फ्लोर भी नहीं रहता है, बिल्कुल वो टॉयलेट में उसको लोखंड की जो साकड़ आती है ना उससे उसको बांध दिया, और नीचे से एक खाली पट्टा, एक टाइम खाना और एक टाइम उसको एक बॉटल पानी उसको रखते थे। आप समझिए कि वो 1 साल की बेटी का टॉयलेट, 1 साल की बेटी कभी स्नान नहीं किया है, वो बेटी अंदर ही 4 साल की हुई, जिसने कभी, लेकिन उसका आधा फुट का तो टॉयलेट का वो हो गया, उसके ऊपर कीड़ी मकोड़े घूमते थे, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, वो रोना बंद कर दिया था, हंसना बंद कर दिया था। जब भी इतनी स्मेल वहाँ से आई, बाजू में से किसी ने पुलिस कंप्लेंट किया, दरवाजा खोला और उसमें से वो बेटी अर्धमूर्त अवस्था में, मीन्स डॉक्टर ने, हम डॉक्टर के पास उसको लेके गए, वो HIV पॉजिटिव थी, उसके अंकल आंटी को अरेस्ट किया पुलिस ने और इसको डॉक्टर के पास ले गए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक बहुत ही खास और बहुत ही सुंदर एपिसोड में। आज के एपिसोड में मेरे साथ एक ऐसे इंसान हैं जो गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आज जाने जाते हैं। वो एक बहुत ही बड़े एजुकेशनलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सोशल सर्विस वर्कर हैं। उनके सोशल सेवा की वजह से KBC कर्मवीर, इंडियन आइडल, ऐसे कई सारे नेशनल TV शोज़ में उनको इनवाइट किया गया है। आज उनकी ज़िंदगी के ऊपर एक बड़ी ही सुंदर किताब भी लिखी गई है जिसका नाम है प्रेरणा मूर्ति। सो ऐसी ही एक प्रेरणा मूर्ति को आज मैं बहुत प्राउडली मेरे ध्रुव गर्जर शो में इनवाइट करना चाहता हूँ। सो दोस्तों, बहुत ही खुशी हो रही है मुझे इनवाइट करते हुए मिस्टर महेश सवाणी। महेश जी नमस्ते, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। वैसे आपके कामों को और आपके अचीवमेंट्स को, आपकी लाइफ को अगर मैं इंट्रोडक्शन में ही कहता रहूँ तो शायद एक एपिसोड मुझे आपका इंट्रोडक्शन का ही करना पड़े। बट सर, बहुत अच्छी चीज़ें आपने दुनिया में समाज के लिए की है और वो आज मैं और मेरे सारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहेंगे। सो शुरू करने से पहले सर, सोशल सर्विस, चैरिटी करना, ये आपकी ज़िंदगी में एंटर कहाँ से हुआ? इसका एंट्री पॉइंट जो ओरिजिन था वो आपकी लाइफ में कैसे आया सर? सबसे पहले तो आदमी का जो नेचर होता है, उसका जो ब्लड होता है, वो जन्म से उसके माँ बाप के DNA में से वो आता है। जी मेरे फादर वल्लभ भाई सवानी जो एक मजदूरी में से बाहर निकल के आए, मजदूरी करते करते वो एक बिजनेसमैन बने, और उसने जो भी रुपये कमाए, जो भी उसने अर्न किया, वो सोसाइटी के लिए कैसे बांटा जाए, वो हम लोग, होता है ना कि जो बच्चा होता है छोटा, वो सबसे ज़्यादा उसके माता पिता में से सीखते हैं। जी और मेरे फादर का 0 में से सर्जन होना, और उसने उसके एक बिजनेसमैन बनने के बाद में उसने जो भी अर्न किया, वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, वो जैसे यूटिलाइज करते थे, और वही देखते हमारे में भी ये संस्कार आए कि हम लोग अगर कैपेबल होते तो कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए, समाज के लिए किया जाए। जैसे होता है ना कि एक धार्मिक लोग होते हैं, वो मंदिरों में कुछ ना कुछ डोनेशन देते, सबका अलग अलग सिस्टम है। कोई लोग है वो गौशाला में देते, गायों के लिए, पशुओं के लिए करते हैं, बिल्कुल तो कई लोग है वो बिजनेस के लिए ही करते हैं, और कई लोग है वो सोसाइटी के लिए करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात तो ये कि मेरे माता पिता के जो वो लोग करते थे, उसमें से मुझे ये प्रेरणा मिली। वाह सर, बिल्कुल सही बात कही आपने कि हम कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, वो कहते हैं ना कि हमारे DNA में हमारी 7 पीढ़ियों का इन्फॉर्मेशन, उनका डेटा, उनकी वैल्यूज़, उनकी कल्चर हमारे अंदर रहती है। तो उसी को आपने जो आगे बढ़ाया है, इनफैक्ट आप अपने फैमिली को आज भी मोटिवेट करते हैं यही सब अच्छे काम करने के लिए। सो कहीं ना कहीं ये जो चेन एक आपके परिवार में चलती आ रही है उसी को आपने एक बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे लेके गए हैं, एंड इसकी वजह से समाज में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ भरी हैं आपने। ऐसे कहा जाता है सर कि शादी किसी भी इंसान के ज़िंदगी का
सबसे खुशी से भरा दिन होता है जी। सो हम आज, मेरी तो शादी नहीं हुई सर, बट आपने किस दिन ऐसा सोचा कि मुझे एक दो नहीं बट 4,500 से भी ज़्यादा अनाथ लड़कियों की शादी करवानी है और उनकी ज़िंदगी में एक नए रंग भरने हैं मुझे, और वो भी सर ऐसे नहीं कि सिर्फ करने के लिए कर दिया, एक ग्रैंड तरीके से आपने उसको ऑर्गेनाइज़ किया। मास वेडिंग्स आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उसी के साथ साथ शादी के बाद भी आप उनको उतना ही सपोर्ट करते हैं। सो ये थॉट प्रोसेस, ये पर्टिकुलर एक पॉइंट आपके ज़िंदगी में कहाँ से आया कि मुझे ये सेक्टर में काम करना है, मुझे शादी करवानी है अनाथ लड़कियों की? कोई भी सोशल काम होता है या तो कोई भी अच्छा काम होता है जी, उसकी शुरुआत का कोई टारगेट नहीं होता है कि 4,000-5,000 बेटियों की शादी करनी है। एक बात होती है कि कुछ अच्छा करना है। मेरे फादर का शिक्षण जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से नहीं हो सकता था, मीन्स वो नहीं हो सका, वो 7 तक ही पढ़े। तो मेरे फादर ने शुरू किया कि भाई मैं मेरे समाज के, सभी समाज के जो भी बच्चे हैं उसको, उसके लिए मैं पढ़ाई का स्टार्टअप करूँगा, कि मैं नहीं पढ़ाऊँ, मैं सबको पढ़ाऊँगा। तो मेरे फादर ने पीपी सवान स्कूल आज से 35 साल पहले चालू किया, जब भी उसकी कैपेसिटी में हुई। मुझे दो बेटे मितुल और मोहित, मुझे बेटी नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एक बेटी मिले, मुझे एक दिकरी मिले, वो भगवान ने नहीं दिया। तो उसके बाद में जब भी पहला मौका मुझे मिला, हमारे परिवार के ईश्वर भाई सवानी जो हमारे साथ में ही, हमारे डायमंड के बिजनेस में ही थे, और उसकी दोनों बेटे की, दोनों बेटियों की शादी, शादी के जस्ट 10 दिन पहले फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से उसको ज्वेलरी की शॉप में ही अटैक आया, और ज्वेलरी की शॉप में ही उसको फर्स्ट अटैक में ही वो एक्सपायर हो गए। शादी के कार्ड बढ़ चुके थे, और तभी मुझे लगा कि, और ये दोनों बेटियों को उसका एंगेजमेंट भी मैंने ही करवाया था, लड़के भी मैंने ही ढूंढे थे, क्योंकि मैं बचपन से वो बेटियों को, मैं बेटियों के साथ में खेलता था, क्योंकि मुझे बेटियाँ बहुत प्यारी लगती है। तो मुझे लगा कि भगवान ने मुझे मौका दिया दो बेटियों का कन्यादान करने का, और फर्स्ट स्टार्टअप 2008 में ये पहली दो बेटियों की मैंने शादी की। उसके बाद में ऐसा होता है ना कि एक मन को सुकून मिलता है, तो वो मुझे सुकून मिला कि जैसे कि ये मितुला और अमृता दोनों बेटियों के पापा 10 दिन पहले एक्सपायर हुए, और ऐसी कितनी बेटियां होगी जिसका पापा 20 साल 15 साल 12 साल के पहले एक्सपायर हो गए होंगे, और वो बेटियों के सपने कि उसने क्या क्या सपने देखे होंगे कि अगर उसके पापा होते। बेटियों को सबसे ज़्यादा शादी में उसके पापा की ज़रूरत होती है, और एक कंधा चाहिए जिसके ऊपर वो कंधे पर सर रख कर वो रो सके, क्योंकि उसको एक पूरा घर छोड़ के जाना है, पूरी ज़िंदगी के लिए उसको जाना है। तो तभी उसके पापा के उसको बहुत याद आती है। एक करियावर है, जो सामान है वो तो एक नॉर्मल चीज़ है, वो मायने में नहीं रखती, लेकिन शादी के टाइम में एक पापा होना बेटियों को, कि जो उसके सर पर हाथ रखे और बेटा कुछ भी है तो मैं बता रहा हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, ये बोलने वाला कोई चाहिए। और ये जिसके पापा नहीं होते तो वो बेटियों को क्या होता होगा। बस वही सोच के फिर मैंने चालू किया, दो बेटियों के कन्यादान भगवान ने मुझे अवसर दिया, और उसके बाद में मैंने ऐसा बोला कि जो भी बेटियों के पापा नहीं होंगे ना उसके सपने मैं पूरा करूंगा। और सपने उसके तो पूरे होते थे, साथ में मेरे भी सपने पूरे होते थे। मुझे जो चाहिए, मुझे मेरे दिल को जो सुकून चाहिए, जो आनंद चाहिए, वो मुझे भी मिलता था कि मैं दो बेटियों के आँखों में खुशी के आंसू ला सकूँ, तो वो सुकून मुझे मिलता था। दो के बाद में मैं जितने भी समूह शादी होती थी उसमें पूछता रहता था कि इसमें कितनी बेटियां हैं, तो बोले 50 बेटियां हैं 20 बेटियां हैं, उसमें कितनी बेटियों के पापा नहीं है, उसके लिए मैं करूंगा, उसको जो चाहिए उसके पसंदगी का जो चाहिए वो सब मैं करूंगा, और टिल लाइफ तक उसके पापा का जो पापा की जगह है वो मैं निभाऊंगा। बस वही कारवा चलता गया, दो बेटे से चालू हुआ, और उसके बाद में आज तक 4,876 बेटी 4,876 बेटियां तक हम लोग पहुँचे। ये इसकी भी गिनती नहीं होती है, लेकिन मुझे याद रखने के लिए मैं गिनती करता हूँ, क्योंकि सभी बेटियों को रोल नंबर दिया हुआ है। ये 2008 में जो बेटी का शादी हुआ उसका 1 नंबर है, और लास्ट में जो शादी हुआ उसका 4,876 है। ऐसे समझ लीजिए कि काजल नाम है एक बेटी का, तो 90 काजल है, 90 काजल है, तो मुझे याद नहीं रहेगा, रोल नंबर से मुझे याद रहेगा कि ये
पानेतर में शादी किया वो बेटी है, या संबंध भव भवना में शादी किया वो बेटी है, इसलिए मैं उसको रोल नंबर देता हूँ। हाँ। और ये रोल नंबर से मैनेजमेंट में भी अच्छा रहता है, क्योंकि लोग दो तीन बेटियों को भी संभालना होता है तो बहुत मुश्किल होता है। जब ये आदमी 4876 बेटियों को मुझे संभालना, वो दामादों को संभालना, उसको परिवारों को संभालना, कौन सी बेटी को डिलीवरी टाइम है, उसके प्रेगनेंसी का टाइम को संभालना, किसी को हॉस्पिटल है डॉक्टर का जरूरत है वो संभालना, सभी को जो संभालना, एक बाप को जो संभालना होता है बेटी के लिए वो सब संभालना। अगर कोई दामाद एक्सपायर्ड भी हो गया जिसका मैंने शादी करवाया, तो उसके बाद में उसकी ज़िंदगी में जो उसकी मम्मी की जो पोजीशन हुआ, उसको जो ठेर ठेर सभी जगह पे ठोकर खानी पड़ी, वो मेरी बेटी को न खाना पड़े, तब तक की तैयारी रखना है। तो इसलिए मैंने रोल नंबर भी दिया हुआ है, और भगवान ने मुझे मौका दिया है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, हम लोग कुछ नहीं करते, जो भी देते हैं वो भगवान देते हैं। और कोई भी काम होता है उसका शुरुआत जीरो से होता है, एक से होता है, फिर वह कहाँ तक जाता है। अभी भी मैं बस सब भगवान को यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे ये काम कराते रहे, जब तक मैं हूँ तब तक ये काम करता रहूँ, बस इतनी ताकत मिले। वाओ, तो सर इतना इस लेवल पे पहुँचने के बाद, इतना काम करने के बाद, मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ सर, मैनेजमेंट का भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट ये सब चीज़ें ऑलवेज मुझे फैसिनेट करती है। सो मैंने कुछ फ़ोटोज़ देखे जब मैं आपके बारे में जान रहा था, स्टडी कर रहा था आज के इंटरव्यू के लिए, तो मैंने देखा कि आप किस स्केल पे ये मास वेडिंग्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। सो उसके पीछे आपका तो ऑफकोर्स 100% इन्वॉल्वमेंट रहता ही है, पर शुरुआत से उसका प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ये सभी चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हैं? मतलब आपका खुद का एक डायमंड का बिजनेस है, आपके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इन सभी चीज़ों के साथ साथ फैमिली को भी टाइम देना, सभी चीज़ें मैनेज करके आप इसका एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, प्लानिंग फेज से ये सक्सेसफुली आप कैसे कर रहे हैं सर? ध्रुव भाई, ये 5000 बेटियाँ, 5000 दामाद, उसका परिवार, सबसे पहला मैनेज करना है अपने परिवार को, क्योंकि ये परिवार को जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए उसको वो पॉजिटिव एटीट्यूड में रहे, तो ये सबसे बड़ा मैनेजमेंट करना होता है मेरे पूरे परिवार को, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, मेरे फादर को, जो मुझे सपोर्ट मेरी फैमिली में से मिलता है। सेकंड नंबर है मैनेजमेंट। मैंने बेंगलोर में डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग की है, लेकिन मैनेजमेंट एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन, उसमें मैनेजमेंट का एक चैप्टर है, पीपी सवानी ग्रुप महेश सवानी, कि मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो एमबीए के बच्चों को सिखाया जाता है। और मेरे साथ में सब लोग जुड़े हुए हैं, और जुड़ने के लिए मुझे किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग सामने से, जो काम आप अच्छा कर रहे हैं ना, तो सब लोग सामने से जुड़ के आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मेरा सवाणी फैमिली है, पूरा सवाणी परिवार, सूरत में करीबन 10,000 लोग हैं, तो वो सवाणी परिवार टोटल जो भोजन का मैनेजमेंट करना होता है 1,00,000 पब्लिक का, तो उसमें मुझे कभी राउंड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो पूरा जो सवाणी फैमिली है उसमें मेल फीमेल लेडीज जेंट्स, जिसका खुद का मर्सिडीज और ओडी गाड़ी है, वो यहाँ आके चावल बांटने का काम करते हैं, वो यहाँ रसोई में काम करने लगते हैं। मीन्स ये अपने, हम लोग का कैपेसिटी क्या है वो भूल के सब लोग जुड़े हुए हैं। दूसरा नंबर है, पहले दो बेटी से शुरुआत हुई, आज 4876 बेटी है, वो 4876 दामाद है, तो हर बेटी के पीछे एक पुरानी बेटी होती है जो फ्री है, कोई बेटी को छोटा बच्चा होता है तो वो नहीं आ सकती, कोई प्रेग्नेंट है तो वो नहीं आ सकती, लेकिन हम लोगों को कितनी बेटी चाहिए, हर साल 300-350 शादियाँ होती है, तो 600 बेटियाँ चाहिए, तो ये 4500 में जो 600 बेटियाँ मिली जाती है, तो वही बेटियाँ बेटियों को संभालती है, और वही हमारे पुराने जो दामाद है, जो ओल्ड दामाद है, वो सब दामादों को संभालते हैं। पूरा मैनेजमेंट है, 1,00,000 पब्लिक, 2 दिन का प्रोग्राम, लेकिन 3 ही मीटिंग होती है, तीसरी मीटिंग में शादी होती है। और ये क्या होता है कि हम लोग जो काम करते हैं ना, बार बार करते हैं ना, उसमें एक सिस्टम बैठ जाती है, तो ये 2008 से हम लोग जो करते हैं ना, तो एक सिस्टम बैठ गए, सबको पता है मुझे क्या करना है, तो 2-3 दिन में ये प्रोग्राम फिनिश होता है। जैसे कि बेटियों का शॉपिंग है, तो शॉपिंग अपने सभी बेटियों का शॉपिंग ऐसे होता है कि उसको 12 पेयर कपड़े देते हैं, तो 12 पेयर कपड़े में वो उसकी चॉइस होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही स्टाइल के 500 रुपये की साड़ी लेके सबको बांट दिया, वो 20,000 की भी ले सकती है, 25,000 की भी ले सकती है, अपनी चॉइस की ले सकती है। मीन्स बेटी अपने पापा जिंदा है और जो भी वो शॉपिंग के लिए जाती है और जो खुला अवकाश उसको मिलता है ना, ऐसे अवकाश हमारी सब बेटियों को मिलता है,
जैसे कि हम गोल्ड देते हैं, तो गोल्ड में ऐसा नहीं कि एक ही सैंपल बना दिया, एक ही डिज़ाइन बना दिया, सबको दे दिया। उसमें भी कैटलॉग रहते हैं, बेटी उसमें से कैटलॉग में से सिलेक्ट करती है और वो वही दागिना वो बेटी के लिए बनता है। मीन्स सभी चीज़ें जो होती है ना वो देने के खातर नहीं देते, वो बेटे को खुश हो, बेटियाँ खुश होनी चाहिए। शॉपिंग के लिए पुरानी बेटियाँ नई बेटियों को शॉपिंग कराती है। और जैसे जुड़ते गए, जैसे पहले एक दुकान थी, जैसे कि दिकरी है या वैशाली साड़ीज है, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है घनश्याम भाई गजेरा, मैकड़ा गांव से, वो मेरा बचपन का दोस्त है। वो टेक्सटाइल में, मैंने उसको बताया, उसने स्टार्टअप किया, आज उसके साथ में 60 दुकानें जुड़ गई। सब लोग जो पानीतर मार्केट में 15,000 का मिलता है शादी का जोड़ा, तो वो में 5,000 का मिलता है। मीन्स सब लोग जुड़ते गए। जो शादी का खर्चा पहले 4-5 लाख रुपया आता था, वही खर्चा आज उससे बेटर क्वालिटी में हम सभी दे रहे, फिर भी वो खर्चा अभी 2 लाख का हो गया। मीन्स सब लोग जुड़ते गए। आज हम लोग शादी के बाद में सब बेटी और दामादों को कुल्लू मनाली भेजते हैं। सब लोग बोलते हैं कुल्लू मनाली आप हनीमून के लिए भेजते हैं, मैं हनीमून के लिए नहीं भेजता हूँ। ये बेटियाँ गरीब है, कभी ट्रेन में नहीं बैठी है, ये दामाद भी एकदम मिडिल क्लास लोअर क्लास में से आते हैं, तो उसको एक में दुनिया दिखाने का मुझे एक मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे मैरिज में सभी कास्ट के लोग होते हैं। हिंदू होते हैं तो हिंदू में भी दरबार होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, पटेल होते हैं, कोड़ी समाज के होते हैं, वैष्णव होते हैं, सब लोग होते हैं, हरिजन होते हैं, मुस्लिम होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं। तो अगर 100-100 के ग्रुप में ये लोग मनाली जाते हैं, 12 दिन साथ में रहते हैं, तो एक भाईचारा जो होता है ना वो बढ़ता है, एक फैमिली बनती है। जैसे कि उसमें सभी बेटियों के पापा नहीं है और सभी दामादों के पापा है, फिर भी दामादों में यूनिटी बनना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो मनाली 12 दिन साथ में रहते हैं ना, तो एक यूनिटी बन जाती है और एक परिवार बन जाता है। और ये मैं देख रहा हूँ इतने सालों से कि ऐसा परिवार बना है कि छोटी बड़ी तकलीफ उसके पापा के पास पहुँचने से पहले उसके ग्रुप में ही निपट जाती है। आज मेरा 70% काम मैं मनाली भेजता हूँ ना, इसलिए पूरा हो जाता है। हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं, हर घर में होते हैं, तो इन लोगों को मैं मनाली भेजता हूँ, तो उसके जो ग्रुप बनता है ना उसी में से ये झगड़े का सॉल्यूशन हो जाता है। तो 70% मेरा लोडिंग वो भी कम हो जाता है कि मैं मनाली भेजा, 12 दिन साथ में रहे, तो बहुत उन लोगों को भी अच्छा लगता है कि हमने पूरी नई दुनिया देखी। तो ऐसे सभी लोग जुड़ते हैं। वाओ सर, वो कहते हैं ना कि चाहे कितना भी हम भेदभाव कर दें, कास्ट के हिसाब से एक दूसरे को अलग नज़र से देख लें, पर अल्टीमेटली जब इंसानियत की बात आती है ना, तो इंसानियत सबसे बड़ा धर्म बन जाता है और उसका जीता जागता नमूना शायद हम मूवीज़ में तो कई दफ़ा देखते हैं, पर आप हर साल उसका एक लिविंग एग्जांपल यहाँ खड़ा कर रहे हैं। सो सैल्यूट है सर आपको एंड आपके काम को। और आपने जो कहा कि आपकी फैमिली इसमें आपके साथ जुड़ी रहती है, आपका पूरा सवाणी परिवार, आपके घर के सभी लोग, सारे मेंबर्स इसमें एक्टिव रहते हैं, तो सर किसी भी घर में, किसी भी फैमिली में सोशल सर्विस, चैरिटी, इसकी अंडरस्टैंडिंग और इसका फीलिंग कितना इम्पॉर्टेंट है, और इसकी अवेयरनेस आपको तो आपके फादर से, आपके ग्रैंडफादर से मिली, बट आपके फैमिली में ये कैसे कल्टिवेट कर रहे हैं, ये कैसे डेवलप कर रहे हैं सर? देखो, सभी लोगों के दिल में कुछ ना कुछ अच्छा करने का तो सोच होता ही है। बिल्कुल। लेकिन आज जैसे कि आपने बताया कि सब लोग पैसे के पीछे पागल है, आज कई सारी एनजीओ ऐसी है, आज 100 एनजीओ जो होती है ना उसमें से 90 एनजीओ कमाने के चक्कर में कि हमें पैसा मिले और हम इसमें से क्या कर सके। 10% एनजीओ अच्छा भी काम कर रही है। और मैं कई बार, मेरी बेटियाँ जो उसके पास कुछ भी नहीं है, वो 15,000 में नौकरी कर रही है, फिर भी वो बोलती है पापा मुझे कुछ अच्छा करना है, आपके जैसा बनना है, मेरे बच्चे को आपके जैसा बनाना है, मीन्स अच्छा इंसान बनाना है। मैंने बोला बेटा तू भी अच्छी ही है, तू भी सोशली कर रही है, तू अगर तेरी सास को परेशान ना करना तो तू सोशली कर रही है। सोशल करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, सबसे पहले तो घर में अच्छा करो। हम लोग हमारी वाइफ को मारते पीटते, बच्चों के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं रखते, तो सबसे पहला सोशल काम तो घर से ही करना चाहिए कि घर के परिवार को पहले अपना बनाओ। उसके बाद में जिधर इसका जहाँ भी मन हो, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आज मैं ये बोल रहा हूँ, हम अपनी सोसाइटी में, मैं वीडियो के लिए करता हूँ, जो भी काम करता हूँ मैं वीडियो के लिए करता हूँ। जैसे कि 2008 से मैंने ये शादियाँ शुरुआत किया, 2010 2011
मेरे बापूजी की बर्थडे थी तो हमारा स्कूल फील्ड है, आज 54,000 स्टूडेंट पीपी सवानी ग्रुप में एजुकेशन ले रहे हैं। तो हमें पता था कि एक माता पिता एक फादर मदर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, 50,000-1,00,000 की फीस में एडमिशन करवाते, तो उसकी सोच ये होती कि मैं मेरे बच्चों को अच्छा एजुकेशन दूँ। फिर हम देखते थे कि उसके फादर एक्सपायर्ड हो गए तो वो बच्चों को दूसरी स्कूलों में उसको शिफ्ट करना पड़ा, सरकारी स्कूलों में शिफ्ट करना पड़ता है या तो फिर उसको पढ़ाई में से उठाना पड़ता है। तो ये हम देखते थे, तो हम जो देखते हैं ना उसके लिए क्या किया जाए। तो फिर मैंने मेरे फादर की बर्थडे कभी नहीं मनाई है मैंने, ना मेरे फादर ने आज तक कभी केक काटी है। उसका 62 ईयर होता था और तभी मैंने बोला बापूजी को, बापूजी आपकी बर्थडे मनाने, बोले बर्थडे कभी मनानी नहीं चाहिए, हर साल कम होता है। तो मैंने बोला नहीं, अलग तरीके से मना दिए। फिर हम लोगों ने पूरे सूरत में गुजराती मीडियम में 282 स्कूल्स ईमेल किया, और जैसे कोई भी एक स्कूल है 2000 बच्चे है उसमें बिना बाप के कितने बच्चे हैं जिसका फादर नहीं है, तो बोलो 25 बच्चे है, आपकी फीस कितनी है, तो 10,000 फीस है, तो 2.5 लाख का चेक वो स्कूल को दे देना, कोई विधवा बहन को ऑफिस पे नहीं आना है, कोई बच्चों को ऑफिस पे नहीं आना। तो बापू जी का बर्थडे हम लोगों ने 8,500 ऐसे बच्चों को लिए कि जिसका फादर नहीं है, और उसकी फीस भरना चालू किया। तो अच्छा लगा, वो सभी विवाह बहने जो गंगा स्वरूप बहने उसको नहीं पता है ये फीस कहाँ से आ रहा है, बस उसको पता है पीपी सवारी में से आता है, पीपी सवारी किसी को कभी नहीं बुलाया। उसके बाद में हमें लगा जैसे कि गंगा स्वरूप बहन है उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऑपरेशन आया, तो उसके बाद में वो लोग कांटेक्ट ढूंढ के आते थे कि पीपी सवानी का ऑफिस कहाँ है, मेरे बच्चे का ऑपरेशन है, क्योंकि उसको एक उम्मीद मिली कि यहाँ हमारे लिए कुछ पॉजिटिव सोच दिया जाएगा, मिलेगा हमें। बिल्कुल। तो मेरे मदर की बर्थडे में सेकेंड ईयर में हमने जननी वात्सल्य का स्पर्श वो एक प्रोग्राम किया, और उसमें ये बताया कि जो भी वीडियो है अपने बच्चों को जब तक पढ़ाएंगे तब तक कोल्ड से लेके बाईपास तक का इलाज पीपी सवानी हॉस्पिटल फ्री करेगी। तो एक एजुकेशन उसका हम लोगों ने ले लिया, उसके बाद में मेडिकल ले लिया, एजुकेशन टिल 12th तक लिया था। तो 12th के बाद में गंगा स्वरूप जो बहन होती है वीडियो वो क्या करती थी कि बेटियों को उठा लेते थे कि बेटियों को भी आगे नहीं पढ़ना है, और बच्चों को मेहनत करके पढ़ाते थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि 12th के बाद में हम बेटियों को ग्रेजुएट बनेंगे तब तक उसकी भी फी हम देंगे, मीन्स बेटियाँ भी पढ़े। जब स्टार्टअप हुआ तभी 72 बेटियाँ थी और आज 900 बेटियाँ कॉलेज में पढ़ रही है जिसका फादर नहीं है। अभी पढ़ाई के बाद में वापस आ गया, उसका शादी मैरिज, तो मैरिज स्टार्टअप हो गया। मैरिज के बाद में फर्स्ट डिलीवरी जो बेटी की होती है वो एक बाप के वहाँ होती है, पापा है नहीं, तो वापस आज डिलीवरी का भी मैटरनिटी का भी खर्चा 15,000 से लेकर 50,000 तक का होता है, जो उसकी मम्मी है वो नहीं पहुंच पाती है। तो हम लोगों ने वो भी चालू किया कि मैटरनिटी भी, उसकी मैटरनिटी के लिए भी हम लोगों ने अलग अलग हॉस्पिटल वो डिसाइड किया, तो वो मैटरनिटी भी चालू हो गया। वो आप एक काम शुरू करते हैं ना, आप जैसे कि आपके सोसाइटी में एक को आपने सपोर्ट किया उसके बाद में दूसरी लाइन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, और सबके दिल में होता है कुछ ना कुछ अच्छा करने का, तो उसको कैसे बाहर ला दे। कई लोग होते हैं कि उसको अच्छा करना है लेकिन उसके पास कैपेसिटी नहीं है, तो कैपेसिटी सिर्फ फाइनेंशियली कैपेसिटी की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, सपोज एक सोसाइटी है 100 लोग उसमें रहते हैं, अपार्टमेंट है 100 फ्लैट है, तो उसमें से एक विडो है, एक फैमिली विडो है, उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, बिल्कुल घर का ही फ्लैट है, लेकिन अभी वो अकेली हो गई, उसके छोटे छोटे बच्चे, तो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं चाहिए। 100 में से एक वीडियो है 99 जो है ना उसकी, जो उसमें जो फीमेल है ना वो जाके वो बहन को बोलेंगे ना, वो गंगा स्वरूप को, कि हम तेरे साथ में, हम तेरे साथ में। अगर वो 99 बोलेंगे ना हम तेरे साथ में, तो उसको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको मॉरल वैल्यू इतना बढ़ जाएगा ना कि उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और एकदम वो अपने जो जिंदगी है वो सर कर पाएगी। बस ये मोरल सपोर्ट भी मिले ना तो भी बहुत बड़ी बात होती है, वो भी एक सेवा ही है, मैं तो यही बोल रहा हूँ। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छा कर रहे हो और आपको कोई तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो सपोर्ट नहीं हुआ, जो अच्छा कर रहे हैं उसको सपोर्ट दीजिए। भूल तो सबसे होती है, आज की दुनिया में सबसे भूल होती है, और उम्र के हिसाब से सब भूल करते भी है, लेकिन अगर एक भूल 5 भूल होती है लेकिन उसके सामने उसका 95 का मच्छे होते हैं तो उसको समझना चाहिए, ये मेरा मानना है। बिल्कुल।
बिल्कुल सर, और आपने जैसे कहा कि आप कई सारे अलग अलग प्रोग्राम्स रन करते हैं, सो एक तो हमने जाना कि आप उनके एजुकेशन को स्पॉन्सर करते हैं, उनके मैटरनिटी में हेल्प करते हैं, उसी के साथ साथ आप उनकी शादी में भी हेल्प करते हैं। और जब मैं आपकी वेबसाइट के थ्रू जा रहा था तो मैं और भी कई सारे प्रोग्राम्स में देख रहा था जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके रिलेटेड, या फिर कोई भी एजुकेशन के रिलेटेड, तो आप अपने बाकी के प्रोग्राम्स के बारे में भी अगर कुछ शेयर कर पाएँ। पीपी सवानी ग्रुप एजुकेशन, पीपी सवानी यूनिवर्सिटी, पीपी सवानी सभी स्कूल, रेडियंट इंग्लिश एकेडमी, पीपी सवानी हॉस्पिटल, आज मैं ये दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ कि पीपी सवानी हॉस्पिटल में बाईपास का ऑपरेशन पूरे गुजरात में नहीं, पूरे इंडिया में हमारे से रीजनेबल कोई नहीं कर पाता है, और 100% रिजल्ट के साथ में, क्योंकि वो हमारा एम है सेवा। और हमारे आदरणीय वड़ाप्रधान मोदी साहब ने भी मुझे एक बार ये बताया था कि आप 35-40 हज़ार में बाईपास कैसे करते हो, तो गुजरात गवर्नमेंट 35% सीएम फंड हमको देता है, हमारे जो डोनर्स है उसमें से 35% आता है, और 35% वो जिसका ऑपरेशन होता है वो करते हैं, तो वो हिसाब से एक परिवार बनाया है, मीन्स सब लोग मिल के करते हैं ना, तो सब ये कुछ हो सकता है। उसके बाद में हम ये शादी कन्यादान कि हर बच्चों को, हर बेटियों को उसकी शादी करवाना, मैटरनिटी, वयोत्सव जो मेरे बापूजी के बर्थडे में किया था, वयोत्सव वात्सल्यनो स्पर्श, तो वो मेरे फादर के जन्मदिन पर हम लोगों ने पूरे सूरत में जितने भी बच्चे हैं इसका फादर ने उसकी फीस भरने का, जननी लागणीनो स्पर्श वो मम्मी की बर्थडे पे, और तभी हम लोगों ने ये सबका मेडिकल का काम हाथ में लिया था। बिल्कुल। उसके बाद में जननी धाम, तो जननी धाम हमारा एक ऐसा सेंटर है कि एक बड़ा प्रॉब्लम होता था HIV पॉजिटिव के लिए, तो HIV पॉजिटिव जो होते फादर को HIV होता है तो मम्मी को हो जाता है, फादर मदर दोनों को HIV पॉजिटिव है तो उसके बच्चे जो होते थे वो बच्चों में विथ बॉर्न HIV आता है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि HIV पॉजिटिव लोगों के लिए हमारे समाज में जो नेगेटिविटी है, तो उसके लिए उसके फैमिली में भी उसको इतना अच्छा मान सम्मान नहीं मिलता है, सोसाइटी में तो नहीं मिलता है लेकिन फैमिली में भी नहीं मिलता है, अगर फादर और मदर एक्सपायर्ड हो जाते फिर वो बच्चों को भी HIV है तो बच्चों को मान सम्मान कहाँ से मिलेगा, तो ये बच्चे वो लोग माता पिता पहले सुसाइड करने के लिए उसको ट्राई करते हैं, किसी को ट्रेन में छोड़ दिया, किसी को नदी में फेंक दिया, एक बेटी मिली थी पालनपुर के रेलवे ट्रैक पर बंधी हुई, तो बाय मिस्टेक उसने 5वें ट्रैक पर बांधी थी, तो जिसके ऊपर से ट्रेन आती नहीं थी, रात को बांध दिया, किसने बांध दिया पता नहीं, लेकिन सुबह में जब भी वो बेटी मिली, सबसे पहले तो जो भी ऐसी बेटियां या बेटे मिलते उसको गवर्नमेंट, पुलिस स्टेशन के बाद में हॉस्पिटल, फिर उसका मेडिकल चेकअप, और उसमें HIV पॉजिटिव होता है तो वो बच्चों को अनाथ आश्रम भी रखता नहीं है, तो वो बच्चे जाए तो कहाँ जाए, इसलिए हमने जननी धाम बनाया कि वहाँ जितने भी HIV पॉजिटिव बच्चे वो हमारे पास में आ जाए, और हम लोग उसको उसकी पढ़ाई, उसका रहना, खाना, घूमना, मेडिसिन, और उसमें भी हम लोगों को सपोर्ट मिलता है। मैं आज बोलता हूँ कि वसंत भाई गजेरा, लक्ष्मी डायमंड, तो हमारी बेटियाँ है वो वसंत भाई के स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है, आज हमारी बेटियाँ सरकारी स्कूल में भी पढ़ने के लिए जाती है तो वहाँ भी अपोजिट करते हैं पब्लिक, गांव के लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे बच्चों के साथ में ये बच्चे नहीं बैठेंगे, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से मैं वसंत भाई को भी थैंक्सफुल करता हूँ कि उसने हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए जिम्मेदारी उठाई। रिलायंस ग्रुप जो आज मेडिकल फैसिलिटी मीन्स उसको हर 15 दिन में उसका CD4 चेकअप करना होता है तो वो रिलायंस स्पॉन्सर करता है, और रहना है वो पीपी सवानी ग्रुप है, खाना रहना ये सब पीपी सवानी ग्रुप करता है, लेकिन आज बेटी अपने माँ बाप के वहाँ रहती है ना, ऐसी खुश है और ऐसी हेल्दी है, उसका CD4 हर ऑलवेज पॉजिटिव आते हैं। और आपने जो बताया प्रेरणा मूर्ति बुक के लिए, डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया साहब पहली बार वहाँ आए थे, और बहुत लोग वहाँ विजिट करते हैं, देखते हैं कि छोटी छोटी बेटियाँ, कोई भी क्रूर आदमी भी होगा ना तो उसके लिए उसके मगज में एक लागणी पैदा होती है वहाँ, बिल्कुल वो एक पॉजिटिविटी पैदा होती है। डॉक्टर साहब को, अढ़िया साहब को उस टाइम ऐसा लगा कि महेश भाई के ऊपर एक बुक लिखना है, उसने तो वो बुक का नाम कुछ अलग ही लिखा था कि आज का भगवान, मैंने बोला, फिर मैंने बताया सर को कि सर मैं भगवान नहीं हूँ, मैं पापा हूँ, और मैंने सर का बहुत साल पहले जब भी मैं पढ़ता था तभी एक बुक मैंने पढ़ी थी प्रेरणानु झरणु, और वो
उसमें से मैंने कई पॉजिटिव एटीट्यूड के अपने माइंड जो कॉन्स्टेंट अनकॉन्स्टेंट जो माइंड होता है उसका पावर क्या होता है उसमें से मैं सीख के मेरे बिजनेस में भी मैं आगे बढ़ा था। तो मैंने बोला वही नाम आगे लखो, प्रेरणानु झरणो और ये बुक का प्रेरणा मूर्ति। उसने तो लिखा था आज का भगवान, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं पापा ही बनना चाहता हूँ और हम लोग कुछ नहीं करते, जो भी करते हैं वो हमें कोई ना कोई करवाता है। एच आई वी बेटियों के लिए था तो मेरे फैमिली में कोई एच आई वी बेटियाँ या बेटे नहीं है, लेकिन जो मिलते हैं वहाँ से ये बच्चों का स्टार्टअप हुआ। आज मेरे पास में 71 बेटियाँ एच आई वी पॉजिटिव, उसमें से 8-9 बेटियों का तो शादी भी किया। और भगवान को थैंक्स बोलता हूँ कि अभी जो एच आई वी पॉजिटिव और एच आई वी पॉजिटिव मेल और फीमेल उसकी शादी करते हैं तो पहले उसका बच्चा भी एच आई वी होता था, लेकिन आज एक मेडिसिन आ गई है और दोनों मेल और फीमेल एच आई वी पॉजिटिव है तो उसका जो इश्यू होगा बच्चा होगा वो अभी नॉन एच आई वी होता है। तो ये इसमें अभी जो संख्या है वो बढ़ने का चांस कम है। उसके बाद में ऐसा लगा कि जिसका पति को जिसके हस्बैंड को एच आई वी है, वाइफ बच गई, हस्बैंड एक्सपायर्ड हो गया, तो न तो वो बहन जी को वो मायके वाला रखता है न ससुराल वाले रखते, तो वो भी सुसाइड करती थी। और हमारे जन्नी धाम में ये बच्चों को रखने के लिए हमें स्टाफ नहीं मिलता था, तो हमने ये अनाउंस किया कि जो भी एच आई वी पॉजिटिव लेडी होगी, बहन होगी, वो हमारे यहाँ आ जाए तो बच्चों को माँ मिल जाएगी, माँ को बच्चा मिल जाएगा। तो ये परिवार हो गया, आज 9 बेटियाँ 9 बहने वो हमारे वहाँ एच आई वी पॉजिटिव बहने भी है जो ये बेटियों का ख्याल करती है। उसके बाद में ऐसा हुआ कि एक बेटी मिली हमें जो कचरे पेटी में से मिली थी, छोड़ के चले गए थे, तो फिर उसका भी लाइसेंस लिया। आज 9 बेटियाँ ऐसी भी है जिसका मम्मी पापा को उन्हें पता नहीं है, जिसे एक एक काम हम लोग करते गए ऐसे आगे। जैसे कि हमने शादी किया तो शादी की करने के बाद में मैटरनिटी का प्रॉब्लम आया, अभी मैटरनिटी के बाद में 5-10 साल के बाद में कोई हमारे दामाद का एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट के बाद में ये बेटियों को कैसे संभाले, तो उसके लिए भी हमने सेवा संगठन हमारा एक परिवार चालू किया। हम लोगों ने मैनेजमेंट के लिए क्या किया है, हर 100 दामादों का ग्रुप बनाया है एरिया वाइज। जैसे कि अहमदाबाद में 179 दामाद है मेरे, राजकोट में 212 दामाद है, बेटिया ससुराल में राजकोट गई है, भावनगर में 350 है, अमरेली में 250 है, बॉम्बे में 90 है, सूरत में, सभी जगह पे हमारे दामाद है। 5,000 बेटियाँ 5,000 दामाद, तो 10,000 गाँव में तो या दामाद या बेटियाँ है। तो उसमें से कोई दामाद एक्सपायर हो जाता है तो वो बेटी की पोजीशन अच्छी रहे, मीन्स उसको इनकम जनरेट हो जाए, इसके लिए हम लोग एक परिवार बनाया। हर 100 दामादों के ऊपर एक दामाद कैप्टन होता है, मीन्स 99 दामादों को कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो उसके कैप्टन को बोलना है। तो ऐसे सभी कैप्टन है। और हम लोगों ने क्या किया है कि हर कपल 5,000 रुपया सोसाइटी के लिए रखे। मैं सबसे पहले तो शादी के बाद में सरकार की जो स्कीम है कुंवर बाई नु मामेर, उसमें सरकार 10,000 रुपये एक कपल को बेटी को देते हैं, और समूह शादी का 12,000 रुपया देते हैं, मीन्स 22,000 रुपया सरकार इन लोगों को सरकार के पास से हम दिलवाते हैं। उसमें से 5,000 रुपया सोसाइटी के लिए नहीं अपने लिए रखे, तो वो 5,000 रुपया रखते हैं, 5,000 दामादों का 5,000 रुपया जुड़ते तो 2.5 करोड़ रुपीज़ होता है। तो 2.5 करोड़ का यूटिलाइज़ कैसे करना है, तो ये 5,000 बेटी 5,000 दामाद 10,000 दामाद के मम्मी पापा 20,000, 5,000 बेटी की मम्मी पापा तो है नहीं 25,000, और 10,000 हमारे ये दामाद के बच्चे। 35,000 में से किसी को भी कभी भी कोई भी जगह पे कुछ भी इमरजेंसी मेडिकल की जरूरत पड़े तो ये 2.5 करोड़ में से सीधा ही उसके बाद 10 मिनट में ट्रांसफर होता है, मीन्स एक मेडिकल फैसिलिटी हो गई। कि और वो 1% पे, उसको ऐसा नहीं कि वो फ्री दिया, हमारे चैरिटी में ट्रस्ट में से पैसा जाता है और उसको वापस ट्रस्ट में ही डालना है, एक भी सिंगल कैश का वहीवट नहीं है। तो जैसे कि 1.5 लाख रुपये की जरूरत पड़ी तो 1.5 लाख रुपया उसने दे दिया, हमारे यहाँ से निकल गया, उसकी जिंदगी बच गई, दामाद की या दामाद के मम्मी पापा या बेटी की मम्मी या कोई भी उसके बच्चों की जिंदगी बच गई, वो इम्पोर्टेंट होता है। 1.5 लाख रुपया दिया, अगर वो 10,000 की नौकरी करता है तो वो 1,000 करके वापस दे, 20,000 की नौकरी करता है तो 3,000 करके वापस दे, 50,000 की नौकरी करता है तो 5,000 करके वापस दे। 1% इनकम होता है तो 1% इनकम मीन्स 2.5 करोड़ का 1% इनकम होता है तो 2.5 लाख रुपया होता है, 12 महीने का 30 लाख रुपया होते हैं, तो वो कहाँ यूटिलाइज करना है।
तो वो करना है, जो बेटी के दामाद एक्सपायर हो गए हैं उसको हर महीने 10,000 रुपया दे, उसके बच्चों को पढ़ाने की फीस देनी है, मीन्स उसका पूरा लाइफ सिक्योर करना है, कल हम रहे या न रहे। हमारे दामादों का ये पूरा टीम है, जो सेवा संगठन जो हमने बनाया है वो चलता रहेगा, हम रहे या न रहे। और इसमें से सिंगल रुपीज है वो अदर जगह पे डोनेशन नहीं देना है, सिर्फ ये हमारे परिवार के लिए हम लोगों ने स्पेयर किया हुआ है। मीन्स एक काम में से दूसरा, दूसरे काम में से तीसरा। आज स्कूल है तो आज सीनियर सिटीजन होते हैं, जैसे कि 70 अप जो लोग होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, रिटायर्ड हो गए, रोड पे बैठ के सिगरेट फूंकते रहते हैं, शाम होने की वेट करते हैं, शाम होते बीच में 4-5-10 बार चाय पी लेते हैं, तो कुछ एक्सरसाइज नहीं होता है। तो हमने एक स्कूल चालू किया, प्रेम लक्ष्मी मंदिर, हम स्कूल नहीं बोलते उसको, मंदिर बोलते हैं, क्योंकि वहाँ सीनियर सिटीजन ही आते हैं। हर रोज 500-600 लोगों को बस लेने के लिए जाती है, सबको सुबह में इकट्ठा करते हैं और सबको पूरा दिन वहाँ भजन कीर्तन, क्योंकि आज घर में अगर दादा दादी रहते हैं तो बच्चे होते वो कार्टून देखते हैं, मम्मी होती है वो सीरियल देखते हैं, उसके हस्बैंड आएगा तो वो क्रिकेट देखेगा या तो न्यूज़ देखेगा या तो कुछ ना कुछ मूवी देखेगा, दादा दादी को देखने के लिए वहाँ कुछ नहीं है। इसलिए हमने एक बड़ा LED TV लगाया है, वहाँ रामायण महाभारत कोई भी कथा चल रही है तो कथा बता सब देखते हैं, पूरा दिन एंजॉय करते हैं, 15-15 घंटा का योगा का प्रोग्राम रहता है और सब लोग फिर 3-4 घंटे का आराम, सुबह में आके नाश्ता, दोपहर को खाना, शाम को 4 बजे फिर वापस नाश्ता और 6 बजे सबको घर पर छोड़ देते हैं। मीन्स ये दादा दादी की पाठशाला स्कूल है, मीन्स जो भी हम लोगों को लगता है कि ये करने जैसा है और ये करने से अच्छा होता है और यही करते हैं जो समाज में नहीं है, जिसकी जरूरत होती है। बिल्कुल। और ये HIV के लिए करते हैं या बिना बाप की बेटियों के लिए करते हैं। अभी तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि बिना बाप के, सबके बाप है, सबका बाप है। अभी हमारी बेटियाँ भी नहीं बोलती है, आज कोई भी बेटी होती है अपने सगे अंकल या सगे बड़े पापा को बड़े पापा या अंकल बोलती है, पापा किसी को नहीं बोलती। आज मैंने भगवान की दया से, सबकी दया से, ये बेटियों के हिसाब से सब बेटियां मुझे पापा करके बुलाते हैं ना, मेरी जिंदगी का यही सबसे बड़ा मुझे पुण्य जो है। सब लोग बोलते हैं आपको ये अवार्ड मिला वो अवार्ड मिला, मुझे जो बेटियों ने लेटर लिखे, एक एक लेटर में बेटियों ने उसकी कहानी लिखी है कि पापा मेरे पापा 15 साल पहले एक्सपायर हो गए, हम पापा शब्द बोलना भूल गए थे, आज मैं 15 साल के बाद मैं पापा बोलता हूँ, आज मुझे मैं सपना देखता हूँ मेरे पापा को याद करता हूँ, उसमें मेरे पापा नहीं दिखाई देते उसमें आपका चेहरा दिखाई देता है। बस इसके इससे ज़्यादा जिंदगी में और क्या चाहिए, और जो मुझे मिल चुका है, मुझे आज कोई भी ये नहीं है, मेरी उम्र 52 ईयर्स हुई लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कल मैं रहूँ या ना रहूँ। मैंने सब कुछ जो भी मुझे करना था, जैसा भी मैंने जिंदगी जो जीने का एक सपना होता है, सब लोग बोलते हैं कि फॉरेन घूमने के लिए घूमना मिले, प्लेन में बैठना मिले, इज्जत मिले, शोहरत मिले, पैसा मिले, मान सम्मान मिले, सब कुछ मिला है भगवान की दया से, सब कुछ मिला है। सबका सबसे बड़ी बात तो ये कि मैंने सवाणी परिवार में, मैंने अच्छे घर में जन्म लिया, वो सबसे बड़ा पुण्य मुझे मिला है, मैं आपको बता सकता हूँ। वाओ सर, मतलब आपकी कहानियाँ सुन के मतलब गूज़बम्स आ जाते हैं, फील होता है अंदर तक के क्या सिचुएशन से लोग पास कर रहे होंगे और क्या एक महत्वपूर्ण रोल आपने उनकी ज़िंदगी में प्ले किया है। सर, आपके इस पूरे जर्नी में जो आपने इतने सालों से की है लोगों की सेवा करने में, ऐसा कोई एक मोमेंट आप शेयर करना चाहें? वैसे तो आई एम श्योर आपके पास रोज़ ऐसा एक मोमेंट बनता होगा, बट ऐसा कोई एक मोमेंट जो आपके दिल के बहुत करीब हो जो आप शेयर करना चाहें। कई बार बेटियों का जो इमोशन होता है और उसकी जो खुशी होती है, जैसे कि मुझे एक बेटी ने एक विदाई के समय एक छोटा सा बैग दिया, तो भारी था, मैंने तभी तो नहीं देखा क्योंकि विदाई के समय तो सभी बेटियों की विदा हो रही थी। बिल्कुल। फिर मैंने ऑफिस में जाके उसमें देखा तो उसमें 1-1 रुपये का 1-1 सिक्का था, तो मैंने फिर बेटे को फ़ोन किया, बेटे ये तुमने क्या दिया? बोले पापा मेरे पापा 19 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, जब हम 2 या 2.5 साल के थे, मैं हर रोज़ कृष्ण भगवान के मंदिर में जाती थी, कृष्ण भगवान को 1 रुपया, मेरी कैपेसिटी नहीं है 1 लाख की, लेकिन मैं 1 रुपया कृष्ण भगवान के मंदिर में रखती थी और भगवान को प्रार्थना करती थी कि मुझे पापा दे दे। और आज 19 साल के बाद में मैं पहली बार पापा नाम का एक शब्द बोली हूँ,
जब भी आप मिले, मैं उसको मिला था, उसका भी 1.5 साल हुआ था, तो बोले जब से मैंने पापा शब्द बोला, भगवान ने मुझे पापा दे दिए, तब से 1 रुपया मैं आपके नाम का रखता हूँ। और ये जब भी आप मुझे पहली बार मिले, उसके बाद में ये मेरे कन्यादान तक 479 डेज हुए, 479 रुपीज मैं आपको और तो कुछ नहीं दे सकती, बस ये 479। और आज भी हर फादर्स डे पे वो बेटी 352 दिन पे फादर्स डे आते हैं, 340 डेज पे आते हैं, वो हर रोज का 1 सिक्का वो ऑफिस में, तो मैंने भी वो जो ठेली मुझे दिया ना सिक्के की, वो मैंने मंदिर में एक दिया, मैंने बोला इससे बड़ी लक्ष्मी जी और कोई नहीं होती है। और वो उसका जो हर साल का जो रुपीज आता है वो भी वो मैंने मंदिर में दिया, वो बैग है, वो बैग में वो डाल के चली जाती है। मीन्स एक इमोशन जो होता है ना कि बेटी के, ऐसे बहुत सारे हैं, हर बेटी के अलग अलग, और हर बेटी की अलग अलग कहानी है। जैसे मैं जननी धाम की एक बेटी की मैं बात करूँ, राजकोट के बाजू में एक गांव, मम्मी पापा एक्सपर्ट हो गया, उसकी 1 साल की बेटी, 1 साल की बेटी जो आप प्रेरणा मूर्ति बुक देख रहे हैं ना, उसमें फ्रंट पेज पे वो बेटी का फोटो है, वो 1 साल की बेटी थी। उसके अंकल, उसके आंटी ने सोचा कि इसको HIV है, हमारे बच्चों को भी हो जाएगा, उसको टॉयलेट में, गाँव का टॉयलेट क्या होता है, नीचे फ्लोर भी नहीं रहता है, वो टॉयलेट में उसको लोखंड की जो साकड़ आती है ना उससे उसको बांध दिया, और नीचे से एक खाली पट्टा, एक टाइम खाना और एक टाइम उसको एक बॉटल पानी उसको रखते थे। आप समझिए कि वो 1 साल की बेटी का टॉयलेट, 1 साल की बेटी कभी स्नान नहीं किया है, वो बेटी अंदर ही 4 साल की हुई, जिसने कभी, लेकिन उसका आधा फुट का तो टॉयलेट का वो हो गया, उसके ऊपर कीड़े मकोड़े घूमते थे, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, वो रोना बंद कर दिया था, हंसना बंद कर दिया था। जब भी इतनी स्मेल वहाँ से आई, बाजू में से किसी ने पुलिस कंप्लेंट किया, दरवाज़ा खोला और उसमें से वो बेटी अर्धमूर्त अवस्था में, मीन्स डॉक्टर ने, हम डॉक्टर के पास उसको लेके गए, वो HIV पॉजिटिव थी, उसके अंकल आंटी को अरेस्ट किया पुलिस ने और इसको डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने बोला कि इसने 4 साल से सूर्य प्रकाश नहीं देखा है, इसको आप शाम को 6 बजे के बाद में ही बाहर निकालो, वरना उसके जो चिपड़े आ जाते हैं ना आँखों में, वो तुरंत पूरा जत्था लग जाता था। ये 4 साल से न रोई है न बोली है, तो उसकी स्वर पेटी बैठ गई है, तो उसको बोलने में 1.5 साल लगेगा क्योंकि वो बोल ही नहीं सकती है। तो ऐसे सब जब हम देखते हैं ना, तभी हमको लगता है कि हम लोग कितने पीछे हैं, हमारी मानसिकता क्या है। आज मैं सभी HIV बेटियों के साथ में उसकी थाली में उसका झूठा खाता हूँ, ये पब्लिक को दिखाने के लिए कि HIV आपको बाजू में बैठने से, टच करने से, उसके साथ में भोजन लेने से नहीं होता है, ये तो ब्लड टू ब्लड कनेक्शन होता है तो ही HIV होता है। तो आज मैं ये अच्छी तरीके से बोल सकता हूँ कि हमारी जननी धाम में जितने भी डोनर, जितने भी मुलाकाती आते हैं, वो हमारी बच्चों बेटियों के साथ में गरबा खेलते हैं, उसके साथ में खाना खाते हैं, उसको साथ में खाना खिलाते हैं, मीन्स ये नेगेटिविटी में दूर कर पाया। बिल्कुल सर, एंड मैंने उसी बुक प्रेरणा मूर्ति में ही लिखा था कि आप ये सभी चीज़ें जो कर रहे हैं ना, ये जो आपने कहा था कि आप कहीं बाहर से, ऐसा नहीं है कि आप वो फंड ला रहे हैं देन उसको रीराउट करके आप ये सभी कामों में लगा रहे हैं, ये पूरा का पूरा काम आप अपने खुद के फंड्स में से करते हैं, अपने खुद के पॉकेट्स में से करते हैं, जो ये मास मैरिजेस और सभी चीज़ों का काम है। सो इट्स अ रियली कमेंडेबल जॉब दैट यू आर डूइंग, अ वेरी कमेंडेबल सर्विस इन फैक्ट दैट यू आर डूइंग। मैं आपको बीच में रुकूंगा, इसमें ऐसा होता है कि जननी धाम जो HIV बेटिया का जो सेंटर है, वहाँ हम लोगों ने एक बोर्ड लगाया है, गुजराती में लगाया, हमने पैसा नहीं प्रेम आपो, क्योंकि उसको प्रेम चाहिए, वहाँ पैसे की जरूरत नहीं है। और वहाँ अगर हम डोनेशन नहीं लेते तो भी सब लोगों को अच्छा नहीं लगता कि बहुत हवा आ गई है, बहुत अभिमान आ गया है। तो हमने वहाँ बोला कि आपको जो भी डोनेशन देना है ना, वो आप चीज़ों में दो, कि आपको तेल का डब्बा दिया, मीन्स वहाँ फोन करना है पहले क्या जरूरत है वो लो। दूसरी बात, शादी में हमारी कैपेसिटी है 150-200 बेटियों की, हम लोग शादी कर सकते, क्योंकि मैं लागणी से कर रहा हूँ और ये मेरी बेटी है, पूरे पूरी जिंदगी तक मुझे उसको संभालना है, शादी करके छोड़ देना है सिर्फ इतना नहीं होता है। इसीलिए हमारी शादी का फॉर्म निकलता है ना, तो सुबह में 4 बजे से पुलिस बंदोबस्त के साथ में 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है बेवा बनों की फॉर्म लेने के लिए,
और मन्नतें होती है कि पीपीए सवाने में हमारा नंबर लग जाए। 12 बजे तक में सुबह में 9 बजे से लेकर 3 घंटे के अंदर 500 फॉर्म निकल जाते। अगर 5000 एक पूरा दिन चालू रखे ना 5000 फॉर्म निकालना होता है तो 5000 फॉर्म भरते, 5000 फॉर्म भरा जाता है, क्योंकि सबको बाप चाहिए, सबको करियावर नहीं चाहिए, दहेज नहीं चाहिए। सभी बेटियां बोलते हैं हमें आप कुछ भी मत देना, मेरा नंबर आप लग रहा। वो विधवा बन की जो पहली मीटिंग होती है ना, तो बेटी और उसकी मम्मी को मैं बुलाता हूँ, सबसे पहला वर्ड्स मेरा ये रहता है कि देखो मैं पूछता हूँ कि आपके बेटी को पूछता हूँ आपके पापा का एक्सपायर हुआ कितना टाइम हुआ, बोले 7 साल हुआ, 10 साल हुआ। तो मैं मम्मी को प्रणाम, उसकी मम्मी को प्रणाम करके बोलता हूँ कि 8 साल तक आपने उसका मम्मी और पापा दोनों का रोल अदा किया है। सबसे बड़ी बात तो एक पहली हमारी ये बात है कि कन्यादान में आप बैठोगे, वरना बोलते ना कि जो विधवा होती है वो कन्यादान नहीं कर सकते। हमारी सभी शादी में विधवा बहनी कन्यादान करती है, क्योंकि उसके पापा का रोल उसने निभाया है। बिल्कुल। तो मैं बोलता हूँ कि वो वही कन्यादान में बैठेंगे, और मैं उसकी मम्मी को बोलता हूँ, बेटी को बोलता हूँ, आज से बहन जी आपकी जवाबदारी पूरी और मेरी जवाबदारी शुरू। बिल्कुल। तो सर ये सभी काम आप जो कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, सो आप तो खुद एक प्रेरणा मूर्ति है ही, जैसे आपकी किताब का नाम है, बट आपकी लाइफ में आपकी प्रेरणा मूर्ति कौन थे? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो मेरी प्रेरणा मूर्ति मीन्स प्रेरणा जो स्रोत है वो मेरे पापा है, मेरे माता पिता है, जिसमें से मैं ये कुछ सोशल करना सीखा। और उसके बाद में मुझे जो भी अवार्ड मिल रहे हैं, तो मैं आज कोई अवार्ड लेने के लिए नहीं जाता हूँ, और वो अवार्ड लेने के लिए मैं कोई भी दो बेटियों को भेज देता हूँ, क्योंकि ये अवार्ड मुझे उन लोगों के हिसाब से मिल रहा है, उन लोगों के प्यार के लिए मिल रहे हैं। तो मेरा सेकंड प्रेरणा स्रोत ये सब मेरी बेटियाँ हैं, क्योंकि उसी उसकी आँखों में खुशी देख के ही मुझे और प्रेरणा मिलती है कि मैं और कुछ करूँ, और कुछ जितना मेरे से हो सके उतना करूँ। ये बेटियों का प्यार, उसका प्रेम और उसकी आँखों की खुशी, वो मेरी दूसरी प्रेरणा स्रोत। तीसरा, मैंने ये बेटियों के लिए जो सीखा वो साध्वी रुतंबरा जी, दीदी माँ, जो वृंदावन में 250-300 अनाथ बेटियों को रखती है, तो वहाँ मैं गया था। उसके बाद में मुझे ये ऐसी बेटियों को जो है जननी दान चालू हुआ, जो हमारे जो रास्ते में से मिली हुई बेटियाँ को रखने का जो मुझे प्रेरणा मिला वो साध्वी रुतंबरा जी, दीदी माँ के वहाँ से मिला। और सबसे ज़्यादा प्रेरणा तो क्या होता है कि आप अच्छा कर रहे हो, आपने मेरा इंटरव्यू किया, मीन्स मेरी पॉजिटिविटी को आपने दिमाग में लिया, डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया साहब ने मेरे लाइफ के ऊपर एक बुक लिखा, तो उसमें से भी मुझे प्रेरणा मिलती है कि मुझे कुछ पॉजिटिव ही करना चाहिए, मेरा पाँव किधर नेगेटिविटी में ना चला जाए। तो मेरे फादर से लेके जो मेरे काम की प्रशंसा में या तो मुझे पॉजिटिविटी दे रहे हो, सभी मेरे प्रेरणा स्रोत है। तो सर जस्ट एज अ बहुत ही मतलब कहते हैं ना, कुछ बातें ऐसी हम करते हैं, बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसी बात करने का मौका मिलता है जो आपको अंदर तक टच करे, अंदर तक आपको झंझोर के रख दे, और आज इनफैक्ट मेरे लिए वैसा ही एक दिन रहा है। सो सर एज अ कंक्लूडिंग नोट, आप हमारे व्यूअर्स के साथ आपका पर्सपेक्टिव क्या है बेटियों के रिलेटेड, और जो आज हम समाज में कहीं ना कहीं न्यूज़ में देखते आ रहे हैं, आपने इतनी बार कहा है कि बेटियों को लोग एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा देखते हैं कि आज वो हमारे घर में आई है तो उनकी शादी करके हम एक काम ख़त्म करें, काम ख़त्म, वो टिक बॉक्स टिक हो जाए कि चलो ये काम हो गया। बट आपका क्या नज़रिया क्या है, और आप क्या नज़रिया लोगों के दिमाग में लाना चाहते हैं बेटियों को लेके, वो आप अगर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को दो हाथ छोड़ के मैं ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ी सहन शक्ति आप क्रिएट कीजिए, छोटी छोटी बातों में पूरे दिमाग में मत लीजिए। बेटियों को भी ये बोलता हूँ कि आप अपने माँ बाप को सिक्योरिटी दे, आपका पाँव किधर नहीं फिसलेगा, और जो भी बेटियाँ ससुराल जाएगी वो वहाँ भी अपने सास ससुर जी को सास ससुर जी न समझ के, आज सास ससुर जी सभी जो बेटियाँ आती है, एक तो बेटियाँ मिलती नहीं है तो आती है उसको बेटी करके ही बुलाते हैं, लेकिन बेटी जाके वहाँ बहू बन जाती है, वो बहू न बने। फीमेल में, लेडीज में, बेटिया में सभी रोल है वो नेगेटिव है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि कौन सा रोल बेटियों में आता है, सासू जी का आता है, ननंद आती है, जेठाणी आती है, देराणी आती है, वाइफ आती है, प्रेमिका आती है,
सभी चीज़ों में एक ही चीज़ अच्छी है, बेटियाँ। अगर बेटियाँ बेटी दिकरी दिकरी रहे तो वो कभी दुखी नहीं होगी, लेकिन बेटी दिकरी जब भी सास बनेगी, दिकरी जब भी जेठाणी बनेगी, दिकरी जब भी नणंद बनेगी, तभी घर में कंकास शुरू होएगा ही। सभी बेटियों को मैं दो हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि ससुराल जाए या तो पियर में रहे, लेकिन बेटियाँ बन के रहे। बिल्कुल, हाँ, थैंक यू सो मच महेश सर, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। क्या ही कहूँ सर आपके बारे में, मतलब प्रेरणा मूर्ति शब्द अब आप, मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत छोटा बन गया है। मुझे अभी वो जो अढ़िया सर ने वो पहला जो टाइटल लिखा था ना मेरे दिमाग में, अब वो आपके लिए सच होता जा रहा है। बट सर थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, हमारे दर्शकों को दुनिया देखने का, बेटियों को देखने का एक नया नज़रिया देने के लिए, और सभी दर्शकों की तरफ से मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू कि आप ये जो काम कर रहे हैं, ये काम सभी को करना चाहिए जी, अगर नहीं भी करें तो सपोर्ट देना चाहिए, तो सपोर्ट देना चाहिए। वो कहते हैं ना सर, आप काम भले ही ना करो पर रुकावट मत बनो, वही सबसे बड़ी सेवा है। बिल्कुल बिल्कुल। सर बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत ही चीज़ें मुझे नई जानने मिली, और ऑफ कोर्स मैं भी जितना हो सकेगा मैं भी आपके साथ इस मूवमेंट में ज़रूर जुड़ूंगा, मैं भी आपको उतना ही हेल्प और सपोर्ट करना चाहूँगा जितना मैं कर सकूँ। एंड सिमिलरली मैं हर एक व्यूअर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी आपके सराउंडिंग में जो भी गलत हो रहा है, महेश सर बेटियों को लेके इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बट बहुत सारी चीज़ें हैं समाज में जो सही करने की ज़रूरत है। सो चुप रहना भी एक गलती है जी। सो अगर आप कुछ भी कर सकें, एक छोटे से छोटी चीज़ भी कर सकें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कीजिए, बिकॉज़ आज आपकी जो एक छोटी चीज़ है वो कल जाके कुछ बड़ा काम करके देगी। चाहे वो छोटे से छोटा, आप बैठे हैं कहीं पे, आप देख रहे हैं कि कोई अंकल आंटी अपनी बैग उठा के कहीं जा रहे हैं, उनको बैग उठाने में मुश्किल हो रही है, सो आप जाके उनकी हेल्प कर सकते हैं जी। सो ऐसे छोटे काम भी कहीं दूर नहीं जाते, आप किसी ना किसी एक इंसान, वो कहते हैं ना सर, एक दिन में सुबह उठ के कुछ करो ना करो, एक इंसान के चेहरे पे मुस्कान ला दी, आपका दिन सफल हो जाता है। और मैंने इनफैक्ट आपकी किताब में एक बड़ा ही सुंदर लाइन पढ़ा था कि सुबह उठते हैं ना तो पैसे चाहिए, पर जैसे जैसे दिन ढलता है ना शाम तक शांति जाते हैं लोग। सो बड़ी ही सुंदर चीज़ मैंने पढ़ी थी आपके किताब में, और वही चीज़ मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। सो व्यूअर्स थैंक यू सो मच आज के पॉडकास्ट को देखने के लिए, सुनने के लिए। थैंक यू महेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका कीमती समय हमें देने के लिए, और आगे भी सर ज़रूर जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपके साथ ज़रूर जुड़ना चाहूँगा, एंड समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच महेश सर, थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू हमारा एपिसोड सुनने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।